उसके बाद डमरू बजाया, जंगली जीव जानवर जो थे भाग खड़े हुए। उसके बाद डमरू बजाने के बाद भगवान ने त्रिशूल फूंक दिया। त्रिशूल पर ब्रह्मा की कि कोई छुपा हुआ जीव जंतु जंगली जानवर मेरी कथा को न सुन ले। जो भी जीव जंतु जंगली जानवर पशु पक्षी थे सब भाग गए। एक बटका वृक्ष था, बट माने बरगद। बट वृक्ष के पास भगवान तोते ने अंडा रखा था। तोते ने अंडे रखे तो कुछ अंडों में बच्चे बन गए थे। जो तोती उन्हें साथ उड़ाकर ले गई थी, एक अंडा नष्ट भ्रष्ट हो चुका था। भगवान शंकर बैठ जाते हैं आशा लगा करके। पार्वती जी बैठ जाती हैं, भगवान शंकर जी कथा सुनाने लगे। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी ये बात, जी स्वामी पार्वती जी ऐसा हुआ, जी स्वामी पार्वती जी वैसा हुआ, जी स्वामी। अब तो जी स्वामी जी स्वामी का हुंकारा दे रही है माता पार्वती। कथा सुनती रही। उसके बाद इंद्रा महारानी ने आकर के उन्हें उन्हें गोद में लिटा दिया। मैया पार्वती जी को गहरी नींद आने लगी। इधर उधर तोती का अंडा जो नष्ट भ्रष्ट हो चुका था, उस अंडे में बच्चा बन गया। बच्चा बाहर निकल आया, वो बच्चा उसी घर घर के पुराना पेड़ हो जाता। उसमें पशु जो पक्षी होते हैं ना, वो घोंसला बनाते हैं। माताओं में उसी समय वो बच्चा बैठ करके जी स्वामी जी स्वामी का शब्द सुनता रहा माता पार्वती के मुंह से। और तोते के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि कोई बार बार शब्द उसके सामने अगर बार बार शब्द बोला जाए तो वो भी उस शब्द को रिपीट करने लगता है। हाँ, तो तोते ने जैसे देखा, उस बच्चे ने देखा कि माता पार्वती सो रही हैं। अगर भगवान शंकर को हुंकारा नहीं मिलेगा तो कथा बंद हो जाएगी। वो कथा बंद हो जाएगी तो कथा का अनादर और अपमान होगा। माता बोलो भाई भाई तू अमर कथा को सुनने को मुझे मिल रही है। तोते के बच्चे के अंदर ज्ञान प्रकट हो गया। तो जी स्वामी जो पार्वती कहती थी वही सब कह करके भोले बाबा कहते पार्वती जी ये बात। पार्वती तो सो रही लेकिन आवाज आ रही जी स्वामी। पार्वती जी वो बात जी स्वामी। भगवान शंकर जी ने जैसे पेट खोले कथा पूर्ण होती है तो पार्वती जी तो घबराहट में आराम से सोए रही। भगवान शंकर के होश उड़ गए, बोले पार्वती पार्वती पार्वती। पार्वती जैसे जगी तो एक शब्द निकला जी स्वामी। भगवान शंकर कहने लगे तू सो रही थी, आंख लग गई थी, मुझे नींद आ गई थी, मुझे नहीं मालूम। भगवान शंकर कहने लगे तो कथा तुमने नहीं सुनी? नहीं प्रभु मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम कथा कहाँ तक हो गई है, मुझे तो कुछ समय बाद नींद आ गई थी, सो गई थी। भगवान शंकर कहने लगे तो जी स्वामी का हुंकारा कौन देता रहा। पार्वती बोली प्रभु मुझे नहीं मालूम, मुझे माफ कर दिया, हमसे भूल हो गई प्रिया। भगवान शंकर कहने लगे मैंने तुमसे मना किया था तुम कथा नहीं सुन पाओगी, फिर भी तुम नहीं मानी, फिर हुंकारा कौन देता रहा। जैसे पीछे मुड़ के देखा बट बट पुराने वृक्ष के खोल में तोते का बालक बैठा है, जिसे पर निकल आने का सामर्थ्य प्रदान कर दिया गोविंद ने। जैसे भोले नाथ ने देखा कहने लगे इसका मतलब चोर है, इस चोर ने मेरी कथा सुनी।
हम इसे जीव के लिए छोड़ेंगे। त्रिशूल लेकर के भगवान पीछे पड़ गए। वो तोते का बालक पड़ता हुआ भागता हुआ जा रहा, भगवान शंकर पीछे पीछे दौड़ रहे, मार 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 छोड़ हुआ नहीं, खड़ा हो जा, मार मार मार, दंड दूंगा, तू चोर है, तूने चोरी से कथा सुनी। तोते का बालक हमार कथा सुन चुका, भला उसे कौन मार मार था। वेद व्यास के पतिव्रता पर कैसे वो सोचा रहे हैं, जैसे मुंह खोला जमुआई आया है। बोलिए महाराज।